अभी एक भक्त जो है 108 108 पद्म के पुष्प चढ़ाया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं गढ़ी दादर। एक्चुअली वहाँ बाग साइड है, बहुत ही डेंजरस खदान है, वहाँ पे सिल्वर पत्थर निकाले जाते हैं। तो वो आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ पिपराहा में, दीदी लोगों के घर आया था और हम जा रहे हैं अभी भैया के साथ। तो वो है भैया और वो रही दीदी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। साइड है मेरी बाइक, तो आज मैंने धुली है बहुत अच्छी तरह से, आप लोग देख सकते हो। और ऐसा बांधना बहुत जरूरी है, धूप का बचत, फेस बचा रहता है धूप से। तो गाइज, हम आ गए हैं गढ़ी दादर रोड में, ये रोड जाके बाग साइड के लिए। गाइज, हम पहुंच गए हैं अभी दुर्घटना संभावित क्षेत्र। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। तो गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं गढ़ी दादर बाग साइड में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पत्थर कैसा बनाया गया है, सांप जैसा। एक्चुअली बहुत साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जो गाय चरवाहा था, यहाँ पे गाय वगैरह चरा रहा था ना, तो उसके गाय को सांप पकड़ लिया था, तो उसका पूंछ को काट दिया गया है। यहाँ पे पत्थर जैसा बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक, और इसका सिर उस साइड है। तो गाइस, यहाँ बहुत ही तेज हवा चल रही थी, इस वजह से मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ से जो पत्थर निकाले जाते हैं, उस पत्थर को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं, जहाँ लोहा सिल्वर बनते हैं। तो गाइज, अभी हम आ गए शिव दाबा में। आप लोग देख सकते हो चारों साइड पूरा जंगल ही जंगल है। कहीं पे शिव का गुफा है, वो देखते हुए जा रहे हैं। हमको भी नहीं पता कहाँ पे है, बट ढूंढते हुए जा रहे हैं, चारों साइड जंगल ही जंगल। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर। नीचे से देख रहे हो, बहुत ही खतरनाक खाई। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं गौरी गुफा और काफी थक गया हूँ ऊपर से। आप लोग देख सकते हो यहाँ से काफी ऊपर है, यहाँ पे है गौरी गुफा, तो आप लोगों को मैं भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे रहते हैं बाबा लोग। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हो पीने के लिए? अच्छा, पराशक्ति कुंड है। अच्छा, नीचे? हाँ, ये पास में पराशक्ति कुंड है, जो अलौकिक है, अलौकिक है। और भी आप लेकर देखोगे, कभी पानी सूखता नहीं। अब 3600 फीट जमीन से, समुद्र तल से 3600 फीट ऊपर भी गंगा बहता है। गाइस, अभी थोड़ा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मुख्य द्वार है, ये आपके नर्मदा पुराण में भी संबंधित है। जैसे लोग जानना चाहेंगे, गणेश आश्रम का ये पाठ है, ये देखो, यहाँ साफ लिखा है, अमरकंटक दर्शन, पुष्पराजगढ़ के निकट बहगढ़ नाला नामक श्री गणेश जी का मंदिर है। बहगढ़ नाला मंदिर में श्री गणेश जी के दिव्य प्रतिमा स्थापित है। दिव्य कहने का अर्थ ये है कि प्रतिमा स्वतः ही जादुई ढंग से निकला है और अभी 1 फीट से 10 फीट हो गया है, तो ये अद्भुत है। पृथ्वी पर प्रकट हुई, जो क्रमश बढ़ती जा रही है। वर्तमान में श्री गणेश जी की प्रतिमा की ऊंचाई 10 फीट है। अभी एक भक्त जो है 108 पद्म के पुष्प चढ़ाया, ये सोमवती अमावस्या में। ये आप देख सकते हो कि कितनी अलौकिक है, कि एसी जैसा, अभी भी वो फूल वैसे के वैसे ही है। इसमें अलग अलग जगह, अच्छा, अंदर भी गुफा है। हाँ, अंदर भी जो है वो चलते जाता है। ये कहाँ तक होगा इसका? ये पीछे जो है वो गणेश आश्रम।
अच्छा वहाँ तक निकले, तो मतलब जा नहीं सकते अंदर, हाँ, काफी कीड़ी मकोड़ी मतलब हाँ, हाँ, हाँ। काफी अच्छा है ये है। कितने साल से जो जल रहा है यहाँ से? ये 13 साल हो गए। 13 साल हो गया। ये पूरे भारत या पूरे विश्व में जो है लोग जान पाएंगे, आपके चैनल खुद ब खुद हिट हो जाएंगे। इसके द्वार यहाँ से ऐसे होते। तो गाइस अभी बाबा जी तंबूरा बजाएंगे और कुछ गाएंगे, वो अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। काला बेरे दादा रे बैठे मुर्गा रे माता, काला बेरे दादा रे बैठे मुर्गा रे दाए, काला बेरे दादा रे बैठे रे काला बेरी दादारी बैठे